नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजार रुका में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी। सिलसिला बाजार रुका में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी में कहां पर कितने निवेश के मौके हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, गेहूं पर देख रहे हैं कितने सारे फैसले आ चुके हैं, सरकार भी सतर्क है। पहले एक्सपोर्ट ज्यादा किया, फिर बैन लगा दिया, बीच में थोड़ी सी राहत भी दी एक्सपोर्ट में, कुछ कम मात्रा में गेहूं का निर्यात भी शुरू हुआ, लेकिन जो देशों से भारत का गेहूं को वापस भेज दिया गया उसकी वजह से फिर से बैन लग गया। लेकिन रूपा जी देख रहे हैं कि जो विदेश हैं वो भारत से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि भारत जो अपने गेहूं का एक्सपोर्ट है फिर से चालू करे, निर्यात चालू हो, और जो देश हैं बाकी के वो लगातार विचार बातचीत भी कर रहे हैं, बार बार गेहूं को ऑर्डर्स भी दे रहे हैं भारत को। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब अगर थोड़ा बहुत सरकार निर्यात चालू कर देती है तो क्या इससे गेहूं की कीमतों में तेजी आएगी? क्योंकि एक बार हमने पहले भी देखा था कि निर्यात चालू होने से पहले और उसके दौरान भी गेहूं के जो दाम थे वो ज्यादा तेज देखने को मिले थे। देखिए, अभी जो सिनेरियो बना हुआ है और इसी बीच जो अभी गेहूं को लेकर, बैन को लेकर जो बातें चल रही है, डेफिनेटली एक्सपोर्ट को लेकर अभी सरकार से ये कहा जा रहा है कि इसके एक्सपोर्ट को खोल दिया जाए ताकि दूसरे देशों के अंदर जहां पर गेहूं की कमी है या डिमांड निकल रही है वहां पर इसकी पूर्ति की जा सके। और अभी ऐसा एक्सपेक्ट भी है कि हो सकता है कि गेहूं का एक्सपोर्ट जो है वो खोल दिया जाए, क्योंकि भारत से गेहूं की डिमांड डेफिनेटली अरब साइड से निकलती हुई दिखाई दे रही है और 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो लगातार डिमांड कर रही हैं और वो उनको भारत का गेहूं चाहिए, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूएई हो गया, ओमान, यमन, इन सबसे गेहूं की डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है। और अभी हो सकता है कि सरकार आगे चलकर गेहूं की जो है एक्सपोर्ट को खोल दे, क्योंकि बांग्लादेश को अभी गेहूं की बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई दे रही है और वो ज्यादातर आयात पर ही डिपेंड करते हैं और हमारे यहाँ पर गेहूं की क्रॉप पर अच्छी खासी है। इनफैक्ट हर साल ही अच्छा होता है, हल्का फुल्का इस बार प्रोडक्शन में मामूली सी गिरावट जरूर बताई गई है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गिरावट अभी है नहीं। तो मेरे हिसाब से गेहूं की कीमतें बनी रह सकती हैं तेजी की तरफ और कीमतों में बहुत ज्यादा फिलहाल डाउनसाइड नहीं है, अभी सस्टेन कर रहा है मार्केट। लेकिन अगर एक्सपोर्ट एक बार फिर से खुल जाते हैं तो डेफिनेटली भारतीय गेहूं तो की कीमतें जो है वो तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि काफी जगहों से डिमांड निकल रही है और अगर निर्यात मांग निकलती है तो प्राइजेस को पूछा पाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि गेहूं की कीमतें तेज जा सकती है जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर यहाँ पे खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में क्या लग रहा है? क्योंकि हमने खाद्य तेलों में भी देखा है कि भारत ज्यादा आयात भी कर रहा है और विदेशों में सोयाबीन की जो डिमांड है वो भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया ने अपने एक्सपोर्ट के टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है घटाने के बाद। तो रूपा जी आपको क्या लग रहा है, जो भारत सरकार पहले आयात शुल्क घटा देती है, कम कर देती है, उसके बाद फिर विदेशों में उतने ही दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसे में ये पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने ये कदम उठाया है, फिर से देख रहे हैं कि विदेशों में दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या लगता है क्या अभी भी खाद्य तेलों का जो आयात है वो एज इट इज ज्यादा ही बना रहेगा? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट जरूर स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारे डोमेस्टिक मार्केट में तेजी नहीं है। हम यहाँ पर प्राइजेस की अगर बात करें तो जहाँ लगातार कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी, अब वो कीमतें लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर आया है लेकिन भारत में गिरावट जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है और काफी हद तक रिटेल प्राइसेस भी में भी हमने देखा है कि 9% के आसपास जो है वो गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो अभी गर्मियों के चलते डिमांड जो है वो थोड़ा सा कम होती दिखाई दिया और ये 1 से 2 महीने फिलहाल उस तरीके से जो है वो तेल की खपत कम रहेगी और इसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस को अभी फिलहाल कुछ पाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तेल की सप्लाई यहाँ पर अभी के लिए ठीक है और अभी देखा जाए तो समर सीजन के चलते वेडिंग सीजन की जो डिमांड होती है वो भी अभी नहीं है, तो यहाँ पर डिमांड जो है वो नहीं है। इसकी वजह से लग रहा है कि प्राइसेस जो है ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं देंगे, ऊपरी स्तरों पर गिरावट बनी रह सकती है। तो खाद्य तेलों में गिरावट की तरफ रहेगा मार्केट, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आई तो सस्टेन रहेगा इन्हीं लेवल्स पर, लेकिन फिलहाल के लिए तेजी कम हुई दिखाई दे जी। रूपा जी सोयाबीन में क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार बारिश और जो मॉनसून है ठीक ठाक रहने का अनुमान जताया गया है, सामान्य मॉनसून बताया जा रहा है
और विदेशों में भी देख रहे हैं सोयाबीन की जो डिमांड है ज्यादा देखने को मिल रही है। अमेरिका के सोयाबीन एक्सपोर्ट में हम पहले से उछालाते हुए देख चुके हैं, वहीं चाइना जो है सोयाबीन का एग्रेसिवली इंपोर्ट कर रहा है और इसका जो स्टॉक है बड़े पैमाने पर वो भी बना रहा है। ब्राजील और अर्जेंटीना में भी सोयाबीन का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले घटा है और डिमांड एज इट इज बनी हुई है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, ये सारे आंकड़े क्या दर्शाते हैं कि क्या सोयाबीन में आगे और तेजी बनेगी या फिर सोयाबीन का जो बाजार है वो एज इट इज रहेगा? देखिए, तेजी तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अभी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बार सोइंग बढ़ सकती है, अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश इस बार अच्छी रह सकती है, जिसके चलते सोयाबीन की सोइंग जो है वो बढ़ सकती है और उसके रकबे में तेजी देखने को मिल सकती है और जिसका फायदा जो है आगे चलकर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए विदेशी बाजार देखिए तेजी के साथ है, लेकिन हमारे भारतीय बाजारों में लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो रिफाइंड हो, पाम तेल हो, सोयाबीन हो या फिर मस्टर्ड, सभी ही भाव जो है वो नीचे की तरफ है। अभी के लिए बाजार सुस्त रह सकता है, मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन तक फिलहाल कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। इसी के साथ रूपा जी, कॉटन में क्या लग रहा है आपको, क्या कॉटन का रकबा इस बार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिस हिसाब से हमने प्राइजेस यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं और मार्केट में सेंटिमेंट्स बने हुए हैं कि जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है इस बार बम्पर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि कपास जो है वो इस बार प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है, कारण काफी है क्योंकि इस बार एमएसपी में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है उससे भी एक जो है पॉजिटिवनेस आती हुई दिखाई दे रही है और दूसरा जो प्राइसेस जो है इस बार काफी अच्छे मिले हैं, तो इसी वजह से भी उम्मीद की जा रही है कि इसका रकबा बढ़ सकता है और अभी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ रहने वाले हैं, अभी प्राइसेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं देती है और मुझे लगता है कि अब कॉटन के अंदर बाजार जो है यही पर सुस्त होते हुए दिखाई दे सकते हैं, इनफैक्ट नीचे जा सकते हैं। अगर हम वायदा की बात करें तो वायदा में भी मुझे लगता है कि कॉटन के प्राइसेस जो है डाउन साइड में 45,000 से 44,000 के आसपास सस्टेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा बूचो पाया है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है, अगेन आज मार्केट गिरा हुआ है, तो मेरे हिसाब से अब उठा पटक बनी रहेगी लेकिन प्राइसेस नीचे की तरफ बने रह सकते हैं जी। रूपा जी, इसी के साथ बात करें ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो अमेरिका में देख रहे हैं कि जो क्रूड के नंबर ऑफ रिग्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है और रूपा जी हम देखते हैं कि जब जब अमेरिका में कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ता है तब तक ग्वार के जो दाम है वो बढ़ते हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है ये जो नंबर ऑफ रिग्स अमेरिका में बढ़े हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, तो क्या इसका असर ग्वार कॉम्प्लेक्स पर अभी पॉजिटिव तरह से देखा जा सकता है या फिर अभी ग्वार में थोड़ा वेट रखना चाहिए, वेट एंड वॉच रखना चाहिए और ग्वार में कुछ समय के बाद तेजी बनेगी? देखिए, ऐसा नहीं है, डिमांड जरूर पिकअप होती है, अगर गम की डिमांड तब निकलती है ड्रिलिंग के लिए और अभी जैसे हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से ग्वार लगातार सस्टेन था 11,000 के ऊपर, लेकिन आज हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी 10,000 का लेवल है, उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी है तो मार्केट फिर से उठ सकती है, लेकिन अभी जिस तरीके से करेक्शन आ चुकी है यहाँ पर डिमांड इन लेवल्स के ऊपर नहीं आई, लंबे अरसे से बाजार सस्टेन था लेकिन डिमांड पिकअप नहीं हुई जिसकी वजह से फिर से करेक्शन में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी के लिए क्रूड तो ओवरऑल देखा हमने काफी लंबे अरसे से तेजी में है लेकिन ग्वार उतना उठ नहीं पाया है, तो मुझे लगता है कि अभी सस्टेनेबिलिटी इसकी 10,000 के ऊपर तक बनी रहेगी, अगर 10,000 सस्टेन रहता है तो मार्केट जो है वो तेजी में वापसी से उठ सकता है, अदरवाइज 10,000 से 11,000 11,500 के बीच में गम घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि सीड ऑलरेडी 6,000 के नीचे आ चुकी है, उसमें भी यही रेंज बनती दिखाई दे रही है 5,700-5,600 नीचे में तो ऊपर में 6,000, तो फिलहाल के लिए बाजार सुस्त है, करेक्शन में वापिस से सस्टेनेबिलिटी आई तो मार्केट तेजी की तरफ जा सकता है जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें मसालों की, तो मसालों में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कम बनी हुई है, तो क्या रूपा जी घरेलू डिमांड भी इतनी कम है कि जो मसालों में है वो तेजी ना बने? देखिए, घरेलू डिमांड अभी जो आप ये जो समर सीजन है, समर सीजन में क्या होता है कि इस टाइम छुट्टियों का माहौल है तो ऐसे में थोड़ा सा डिमांड जो है वो कम हो जाती है मसालों की भी और तेलों की भी अभी गर्मियों की वजह से, और आगे चलकर जो है जैसे जैसे मौसम में सुधार आएगा तो वापस से इन मसालों की डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई देगी। अगर हम फंडामेंटल साइड जाते हैं तो प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सभी के आंकड़े जो हमने देखे, चाहे धनिया हो, जीरा हो, इनके प्रोडक्शन के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि आगे चलकर इनमें तेजी रह सकती है, इस बार प्रोडक्शन काफी कम हुआ है, तो उसी का नतीजा है कि मार्केट सस्टेन है ऊपरी स्तरों पर, धनिया लगातार 10,000 के ऊपर तो जीरा 20,000 के ऊपर सस्टेन है, जो जीरा काफी अच्छे तक हमने देखा कई सालों तक देखा 20,000 के नीचे ही था और आज आप देखिए
20-21 हजार के ऊपर सस्टेन करता दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए फंडामेंटली सपोर्टिव है। अभी जो है डिमांड एक थोड़ा सा कम होती दिखाई दी है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सुस्ती के साथ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है रूपा जी, कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में क्या लग रहा है? हम देख रहे हैं कि 7400 पे तो अभी भी बना हुआ ही है, तो क्या कैस्टर में फिर से यहाँ पे बढ़त देखने को मिल सकती है? देखिए कैस्टर में ये वापस से वही चाल इसमें देखने को मिली है, 7600 तक गया, वापस से फिर लुटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अब मुझे नहीं लगता कि ये 8000 का कोई स्तर दिखाएगा, जिस तरीके से इसकी हमें चाल देखने को मिल रही है इस कमोडिटी की, मुझे लगता है कि अब नीचे में एक बार हो सकता है कोई पहले 7200 का टारगेट दिखाई दे। रूपा जी बिनौला खल में क्या रहेगा? बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि कारोबार तो सुस्त ही है, तो क्या बिनौला खल में जो अब तेजी है वो कभी बन भी पाएगी, या फिर जो यहाँ पे जो कीमतें हैं वो सिमट के रह जाएंगी? देखिए अभी बिनौला खल भी सुस्ती के साथ लग रहा है, मुझे लगता है कि बिनौला खल भी अभी नीचे जा सकता है और 2700 तक नीचे लुढ़क सकता है। जी रूपा जी टॉपिक क्या देना चाहेंगी एग्री कम्युनिटीज में? देखिए एग्री कमोडिटीज की अगर आज की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी मसालों में ही बाइंग की तरफ रहना चाहिए और बिनौला खल में बिकवाली करके चला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ सकता है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एम सीवी पर।